सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र धन्य नाम में आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए परमेश्वर के वचन की अगुवाई में अपने जीवन को परमेश्वर की धन्य इच्छा में आगे बढ़ाएं और आज की आराधना में हम प्रोत्साहित हों और मेहरबानी से मेरे साथ में निकालें भजन संहिता 33 और इसके 18 पद से 22 पद तक आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 33 साम 33 वर्स 18-22। यह परमेश्वर के वचन में हमें इस रीति से अगुवाई दी गई है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादिता के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद ही हैं पिता कि आपने अपने अनुग्रह में हम सब के जीवन को बनाए रखा। हाँ पिता, आपका वचन सत्यता के साथ हमारे जीवन की सच्चाई को रखता है कि हम आपके अनुग्रह में अपने जीवन को इस संसार में पाते हैं और आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा आपके विश्वासी जन के जीवन के साथ उसके जीवन की हर परिस्थिति में बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं पिता, बीते सप्ताह प्रतिदिन प्रतिपल आपने अपने अनुग्रह में अपनी अगुवाई को हमारे जीवन में दिया, अपनी धन्य इच्छा में हमारे जीवन को बनाए रखा कि आज की इस आराधना के दिन को एक आशीष की रीति से अपने जीवन पा सकें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपने अनुग्रह में हम सबको भिन्न भिन्न स्थानों से सही सलामत अपने भवन तक पहुँचाया कि आपकी आराधना में एक मन एक विश्वास के साथ एकत्रित हों। आपका वचन इसी रीति से हमें प्रोत्साहित भी करता है कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रार्थना है पिता कि हम सब मसीह की नम्रता और दीनता में अपने आप को बनाए रखते हुए आपके सम्मुख अपने जीवन को प्रस्तुत करें, ताकि
जिस रीति से आप हमें ढालना चाहते हैं, हमारे जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, अपनी धन इच्छा हमारे जीवन के प्रति प्रकट करना चाहते हैं, सब बातें आपके अनुग्रह में आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन में पूरी हों। प्रार्थना है पिता, अपने अनुग्रह में अपने उन विश्वासी जनों की भी स्तुति रखना जो इस समय मार्ग में हैं और आपके भवन तक और आज की आराधना में भाग लेने की आस रखते हैं। अपने अनुग्रह में उनको भी सही सलामत पहुँचाएँ पिता, ताकि आपकी आशीषों से परिपूर्ण रहें, आपकी धन इच्छा में हम सबके जीवन नित्य बने रहें। साथ ही पिता प्रार्थना करते हैं कि कोई भी अनुचित बात, कोई भी अंधकार की नकारात्मक बात आराधना की ओर ना आने पाए, बल्कि सब बातों में आपको आदर मिले, आपका मान और वो महिमा हो जिसके योग्य आप परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें अपनी धन इच्छा में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना में बने रहते हुए इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे जो कि गीत की किताब में 686 नंबर है, 686। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता
स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बाबा तोड़ कर उसने चाह किसी के मुड़ ना उसे। घोंसले को बाबा तोड़ कर उसने चाह किसी के मुड़ ना उसे। परो पर उठाया उसका की तरह ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम सब अपने स्थान पर खड़े रहें और अपने ईमान का हम इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा हम एक साथ दोहराएंगे। आइए एक साथ इकरार करें। मैं इतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकदसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हो सताइश पाप की और बेटे की और रूल कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। वहीं से बैठिएगा। परमेश्वर के अनुग्रह में इस धन्य अवसर को पाते हैं जबकि हम अपनी विनती और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखने पाए। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादिता के साथ आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाए हैं। धन्यवादी हैं कि आप जो दयालु परमेश्वर हैं, अपनी अनुग्रह, अपनी दया में, अपनी करुणा में हमारे जीवन की सुधि रखते हैं, अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपनी धन्य इच्छा में हम सबके जीवन को एक और धन्य अवसर दिया कि आपकी उपस्थिति में एक मन एक विश्वास के साथ आपके भवन में एकत्रित हों। हाँ पिता, बीते जीवन प्रतिदिन प्रतिपल आपने अपनी दया, अपनी करुणा को हमारे जीवन के साथ बनाए रखा, कि आपने अपनी इच्छा को इस रीति से रखा कि हम एक बार फिर आपकी बुलाहट में अपने जीवन को अनुभव करें और आपकी हमारे जीवन के प्रति क्या मनसा है, क्या इच्छा है उसे जान सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को आपके अनुग्रह में जिएं, ताकि आपके पवित्र नाम में हमारे जीवन न सिर्फ स्वयं में आशीषित हों लेकिन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। पिता, बीते समय हमारे जीवन में यदि कुछ भी ऐसा घटा जो आपकी इच्छा में, आपके वचन के अनुसार नहीं, प्रार्थना करते हैं पिता अपने अनुग्रह में, अपनी करुणा में, अपनी दया में हमारे उन पापों और हमारे उन अपराधों को क्षमा करें। पिता, आप दयालु परमेश्वर हैं और हमें भी वो सूझबूझ दें पिता परमेश्वर कि जब हम पाप से क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप हृदय के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, तो पश्चाताप हमें वापस फिर उस पाप की ओर मुड़ने के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाए रखते हुए उसकी धन्य इच्छा में आगे बढ़ने के लिए है। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह में हम सबको आप बहुतायत से आशीषित करना, ताकि हम सबके जीवन एक जीवित गवाही के रूप में आपकी महिमा को लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकें। पिता, प्रार्थना करते धन्यवादी हृदय के साथ हमारे बेथेल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए धन्यवादी हैं। आपने अपने अनुग्रह में, अपनी करुणा में, अपने दर्शन में अपनी इस मंडली को, अपनी इस कलीसिया को नित्य बनाए रखा, आगे बढ़ा है पिता। उसी अनुग्रह, उसी करुणा, उसी दर्शन को पिता
और बहुतायत से आपकी इस मंडली के लिए चाहते हैं कि कलीसिया नित्य आपके कार्यों में, आपकी सेवा में संलग्न रहे, आपकी पहचान में अपनी एक रूपता को देखने पाए कि परमेश्वर ने अपने विश्वासी जनों को एक इस स्थान पर एकत्रित किया है कि परमेश्वर के पवित्र नाम की वो महिमा और वो गवाही प्रस्तुत हो जिसके योग्य परमेश्वर है और जो इस अंधकार भरे संसार के लिए आवश्यक है। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह में हमारी कलीसिया के सभी परिवारों में अपनी आशीष को, अपने आनंद को, अपनी शांति को बनाए रखना पिता, ताकि प्रत्येक परिवार जिन जिन जगहों पर है, जिन स्थानों में है पिता, वहाँ के लोगों के लिए एक आदर्श बन सकें और लोग हमारे जीवन के द्वारा, बोलचाल व्यवहार के द्वारा, कार्यों के द्वारा आपके अनुग्रह, आपके प्रेम को अनुभव कर सकें, जान सके कि हाँ, इन्होंने अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को पाया है। पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, धन्यवादी हृदय के साथ पिता हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से आपने अपनी करुणा को, अपनी दया को बुजुर्गों के साथ बनाए रखा है, उसी धन्य इच्छा में पिता परमेश्वर इनके जीवन की आप सुधि रखना, अगुवाई करना कि जीवन के इस पड़ाव में वो अनुभव करने पाए कि बेशक हमारे जीवन के सम्मुख कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर हाल में हमारा साथ देता है, हमें थामता है, अपनी सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करता है और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। बुजुर्ग के आलम में बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपने आप को नाना प्रकार की शारीरिक चुनौतियों के साथ में पाते हैं, बहुत से लोग हैं पिता जो बीमारियों के साथ में अपने जीवन को जकड़ा हुआ पाते हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को अकेलेपन में अनुभव करते हैं, अपनी उपस्थिति का अनुभव दें पिता, अपनी सामर्थ्य उंडेल, अपनी चंगाई दें पिता, ताकि प्रत्येक बुजुर्ग आपकी धन्य इच्छा में जवानों और बच्चों के सम्मुख एक आदर्श की रीति से अपने जीवन को प्रस्तुत कर सकें और जवान और बच्चे उनके जीवन को देखकर आपके विश्वास में किस रीति से बनना और बढ़ना है उसको सीख सकें। प्रार्थना है पिता कलीसिया के जवानों के लिए, अपने दर्शन से इन जवानों को परिपूर्ण रखना कि संसार की व्यर्थता की बातों से अपने जीवन को अलग रखते हुए आपकी धन्य इच्छा में अपने जीवन को देखने पाए, विचार कर सकें कि परमेश्वर ने प्रत्येक के जीवन के लिए एक उद्देश्य को रखा है, उस उद्देश्य को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को देते हुए, अपनी बुद्धि को देते हुए, अपनी युक्तियों को बनाते हुए इस रीति से देता है कि वह उद्देश्य उस जवान के लिए आशीष का कारण बनता है, उस जवान का जीवन सदैव परमेश्वर की महिमा के योग्य बना रहता है। पिता, बहुत से जवान ऐसे हैं जो जीवन में मार्ग की तलाश कर रहे हैं, पिता आपने अपने अनुग्रह में जिस योजना को उसके लिए बनाया है उसे उजागर करें पिता, उन मार्गों को, उन द्वारों को खोलें जिसमें उनके जीवन को आगे बढ़ना है, ताकि वो देखने पाए कि परमेश्वर कितना ही अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। हाँ पिता, आपका वचन इसी रीति से हमें सिखाता है कि आपके विचार और हमारे सांसारिक विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रार्थना है पिता ये जवान आपकी इच्छा में होकर अपने जीवन के अर्थ और इसके महत्व को समझने वाले हो सकें। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, बहुत से जवान अपने जीवन के लिए योग्य साथी की तलाश में हैं। पिता, अपने अनुग्रह में आपने जिस योग्य साथी को उनके जीवन के लिए बनाया है उसे उसके जीवन में दें, ताकि एक ऐसे परिवार का निर्माण हो जो आपकी पहचान रखता है, आपकी इच्छा में बना हुआ है और आप ही के वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ता चाहता है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए, धन्यवादी हृदय के साथ पिता इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि इस प्रतिफल को एक आशीष की रीति से आपने अपनी कलीसिया में, हमारे परिवारों में दिया है, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से इनके जीवन को परिपूर्ण करें कि जीवन के इसी पड़ाव से अनुभव करने पाए कि इनका सृजनहार परमेश्वर कितना ही दयालु और प्रेम रखने वाला परमेश्वर है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है, जीवन की कैसी भी चुनौती और आवश्यकता क्यों ना हो परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है, हमारा सहायक है और हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना है पिता दुष्ट की कोई युक्ति इन बच्चों के जीवन के विरुद्ध कभी सफल न होने पाए, मसीह के लहू में इनके जीवन को ढांपते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च की पास्टरेट कमेटी के लिए, तमाम मेम्ब्रान के लिए, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनके चेयरपर्सन, उनके मेम्ब्रान के लिए पिता, सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखें कि आपकी धन्य इच्छा में, मसीह की नम्रता और दीनता में अपने आप को बनाए रखते हुए आपकी जो योजना और उद्देश्य अपनी कलीसिया के प्रति है उसको पूरा करने में अपना योगदान दे सकें। प्रार्थना करते हैं पिता अपने अनुग्रह में
अपनी सेवा के भाव से प्रत्येक के जीवन को तैयार करें, ताकि आपकी धन्य इच्छा आपकी इस मंडली में सदैव पूरी हो और इस मंडली में सदैव आपका नाम सर्वोपरि माना जाए और रहे। पिता, प्रार्थना करते हैं, हमारे चर्च में इस समय बहुत से लोग हैं जो इस समय अपने जीवन को कठिनाई में अनुभव कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं पिता जो बीमारी से अपने जीवन को जकड़े हो पाते हैं। पिता आपका पिता प्रार्थना करते हैं इस समय हम लोग विशेष रूप से मिसेज रेखा मैसी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेज अंचला क्रेव के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेज साइमन के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेज पुष्पकला के लिए प्रार्थना करते हैं, सुजैना के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेज सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर अरुण सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर अजय वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, मिस्टर एमपी सिंह के लिए पिता, और भी कोई जन जो अपने जीवन को किसी भी तरह की शारीरिक दुर्बलता में पाता है। आपका वचन सिखाता है पिता आप यहोवा राफा हैं, चंगाई देने वाले परमेश्वर। आपने स्वयं कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। पिता उस वचन की सामर्थ को अपने इन विश्वासी जनों के जीवन में बेलना, ताकि आपके विश्वासी जन अनुभव करने पाएं कि जिस परमेश्वर पर इन्होंने विश्वास रखा है वो कितना ही विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। और प्रत्येक के जीवन की चंगाई ना सिर्फ उनकी कमजोरी और बीमारियों से उनके जीवन को उबारने में सहायता करें, बल्कि प्रत्येक का जीवन एक जीवित गवाही के रूप में कलीसिया के साथ में बांटा जाए। पिता प्रार्थना करते हैं सब बातों में आपको आदर, आपको मान और आपको महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं पिता इस समय हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, पिता प्रार्थना करते तमाम बिशप साहबान के लिए, मेम साहबान के लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए, डीकन्स के लिए, डीकनेसेस के लिए, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिस बेयरर्स के लिए। पिता नाम बनाम हर एक के जीवन को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता अपने अनुग्रह में आपने प्रत्येक के जीवन को चुना है। हाँ पिता, योग्यता नहीं लेकिन चुनाव आपकी ओर से है। प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह में आपने अपनी धन इच्छा में प्रत्येक के जीवन को जबकि चुना है, अपनी सामर्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुग्रह से और अपने भय से प्रत्येक के जीवन को परिपूर्ण रखना, ताकि प्रत्येक के जीवन के द्वारा आपने जिस इच्छा को बनाया है वो इच्छा पूरी हो और लोगों के बीच में आपके वचन का प्रसार हो, लोग आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को अनुभव करने वाले हो सकें और आपकी निकटता में अपने जीवन को लेकर आए। पिता प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, प्रार्थना है पिता इस समय जबकि कठिन परिस्थितियों में हमारा देश बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है, विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता मणिपुर के लिए, जबकि अभी भी हालात उस रीति से नियमित नहीं हो पाए हैं जैसी अपेक्षा है। प्रार्थना है पिता सरकार को और तमाम पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज को जो नीतियां बनाते हैं पिता, उनको अपनी बुद्धि अपनी समझ से परिपूर्ण करें, ताकि वो नीतियों को लागू कर सके कि शासन व्यवस्था और शांति बहाल हो सके और लोग अपने सामान्य जीवन की तरफ वापस फिर से लौट सकें। पिता आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय जबकि विश्व में बहुत तरह की अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता इसराइल, गाजा, फलस्तीन और अन्य आसपास के जो देश हैं पिता, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं बहुत सी भयावह तस्वीरें लोगों के मनों को विचलित करती हैं। हाँ पिता, आप इस संसार में शांति को स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं, अपनी दया में, अपने अनुग्रह में उन परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लें। आप मनों से बातचीत करते हैं, प्रार्थना है पिता परमेश्वर लोगों के हृदयों को बदलें, उनके मनों से बातचीत करें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे किसी भी तरह से हिंसा का नहीं लेकिन शांति का रास्ता अपनाएं, ताकि जो लोग अपने जीवन को एक कठिनाई में पा रहे हैं, उम्मीदें खो रहे हैं पिता, पिता वो वापस अपनी ज़िंदगी को सामान्य रूप से जी सकें। बहुत से जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत से लोगों ने अपने घरों को खो दिया, अपने अजीज़ों को खो दिया है, उन बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब हैं पिता परमेश्वर, दया करें, अनुग्रह करें। आपने इस पृथ्वी को अपनी धन्य इच्छा में अपने अनुग्रह के लिए को प्रकट करने के लिए, अपने प्रेम को अनुभव कराने के लिए रचा। पिता प्रार्थना है कि पृथ्वी, ये सृष्टि आपकी महिमा को अनुभव करे और आपकी धन्य इच्छा में बनी रहे। पिता इस समय विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रिचर्ड हावेल के लिए पिता,
जिन्हें आज के वक्ता के रूप में आप हमारे बीच में सकुशल लेकर आए। धन्यवादित हैं पिता, सारी परिस्थितियों को आपने अपने नियंत्रण में रखा। प्रार्थना है पिता कि आज आपके बेटे जब आपके वचन को हमारे बीच में बांटते हैं, अपनी सामर्थ से अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनके जीवन को परिपूर्ण रखना, ताकि आपकी इच्छा को आपकी महिमा के लिए आपकी कलीसिया के साथ बांटें और अंततः हम सब एक मन एक विश्वास के साथ आपके पवित्र नाम को धन्य कहें। पिता उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मेम साहबान के लिए, बेटियों के लिए, तीनों नातियों के लिए पिता परमेश्वर, सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखें। उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, कैलेब इंस्टीट्यूट के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि एक बड़ी सेवकाई में अपने आप को पाता है। प्रार्थना है पिता अपने अनुग्रह में इस इंस्टीट्यूट को बहुतायत से अपनी सेवा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, कि जिस रीति से लोगों के जीवन तैयार होते हैं कि उनके जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन आशीषित हों। आपकी धन्य इच्छा आपकी महिमा के लिए कैलेब इंस्टीट्यूट तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिस बेयर्स के जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। अपनी सामर्थ्य में अपनी सूझबूझ में प्रत्येक के जीवन को बनाए रखना। आज की आराधना को संपूर्ण रीति से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप लें। आराधना को प्रत्येक भाग आपकी महिमा के योग्य हो, आपको ग्रहण योग्य। पिता इस समय हम एक और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में, जबकि हमारा फैमिली कैंप होना है। पिता परमेश्वर अगुवाई करें, सहायता करें। पिता परमेश्वर लोगों के हृदयों से बातचीत करें, उनके मनों को प्रोत्साहित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन अवसरों का मसीह संगति को अनुभव करने के लिए लाभ उठाएं, क्योंकि पिता आपने स्वयं का अपने वचन में कि अवसरों को बहुमूल्य जाना। प्रार्थना है पिता अपने अनुग्रह में इन अवसरों को एक आशीष की रीति से हमारे जीवन में देना। आपने हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जाना है, हर एक आवश्यकता की सुधि रखना, उनकी पूर्ति अपने भले भंडार से करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम दूसरों कसरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे रहे हैं। आमीन। प्रार्थना में बने रहेंगे और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिनके इस हफ्ते बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज हैं, जिनके नाम पुकारे जाते हैं। यदि वे चर्च में उपस्थित हैं तो मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हों। जिनके इस हफ्ते बर्थडे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: सैम 17 अक्टूबर, प्रीतेश शांत मसी 18 अक्टूबर, अंजलि जॉर्ज 18 अक्टूबर, हरि कुमार वेंगापल्ली 18 अक्टूबर। और जिनके इस हफ्ते वेडिंग एनिवर्सरीज हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: मिसेस किरण चरण एंड मिस्टर पीसी चरण 15 अक्टूबर, मिसेस सोनिया सिंह एंड मिस्टर लवी सिंह 18 अक्टूबर, मिसेस राज सिंड्रेला सिंह एंड मिस्टर विनोद के सिंह 21 अक्टूबर। जिनके नाम पुकारे गए यदि वे चर्च में उपस्थित हैं तो मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हों। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, आप जो हमारे जीवन पर अपना संपूर्ण अधिकार रखने वाले परमेश्वर हैं, हाँ पिता इस सृष्टि को रचने वाले हैं और इस सृष्टि में जीवन को देने वाले आप ही परमेश्वर हैं। प्रार्थना है पिता आपने अपने अनुग्रह में अपने इन विश्वासी जनों की, जिनके नाम पुकारे गए, कि वह आने वाले दिनों में और आज अपने जीवन के इस विशेष दिन को सेलिब्रेट कर सकें, मनाते हैं पिता अपने अजीज़ों के साथ, अपने परिवार के साथ, आपके विश्वासी जनों के साथ। पिता प्रार्थना है अपने अनुग्रह में आपने प्रत्येक के जीवन के साथ अपनी धन्य इच्छा को बनाए रखा, उसी रीति से और अधिक आपकी उपस्थिति को, आपके अनुग्रह को, आपके प्रेम को आपके विश्वासी जन अपने जीवन के आने वाले दिनों में अनुभव करने पाए और देखने पाए कि परमेश्वर कितना ही विश्वास योग्य है और धर्मी परमेश्वर है। पिता आपने प्रत्येक के जीवन की अभी तक सुधि रखी है, प्रार्थना है आगे भी आप सुधि रखें, अगुवाई करें, जीवन की जो आवश्यकताएं हैं अपने अनुग्रह में उन आवश्यकताओं की पूर्ति अपने भरे भंडारों से करना। और आपने इनके जीवन को जिन तोड़ों से परिपूर्ण किया है पिता, ऐसी सूझबूझ देना कि वे तोड़े आपकी सेवा आपकी महिमा के लिए
नित्य प्रस्तुत करें, ताकि प्रत्येक के जीवन के द्वारा आपका नाम सर्वदा महिमा पाए। पिता प्रार्थना है दुष्ट की युक्ति इनके जीवन के विरुद्ध कभी सफल ना हो, कोई अंधकार की बात इनके जीवन की ओर ना आने पाए, हर तरह की नकारात्मकता की बातों से इनके जीवन को बचाना। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मसीह के लहू की छाप में प्रत्येक के जीवन की आप रक्षा करें और पवित्र आत्मा में प्रत्येक के जीवन को बहुत ऐसे अपनी सेवा में अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठिएगा। कुछ कलीसियाई सूचनाएं हैं, मेहरबानी से ध्यान से सुने। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा रविवार में परमेश्वर के भवन में जो आराधना का समय रहता है वो सुबह 9 बजे है, तो मेहरबानी से समय का ध्यान रखें, ताकि जो सीमित समय हमें मिलने पाता है उसे अधिक से अधिक बहुत आय से हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आराधना में अनुभव करें, उसे जिएं। लास्ट संडे जो ऑफरिंग हम लोग परमेश्वर के सम्मुख अर्पित कर पाए वो थी 14,001 रुपये। परमेश्वर बहुत आय से प्रत्येक के जीवन को आशीषित करें और अपनी सेवा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ये अनाउंसमेंट है मिशन एंड इवेंजलिज्म कमेटी की ओर से कि जैसा आप सबको पता है प्रत्येक मंगलवार ट्यूसडे शाम 7:30 बजे हम लोग प्रार्थना में सहभागी होते हैं, और इसके लिंक को चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है कि अधिक से अधिक लोग इसमें सहभागी होने पाएँ। तो इन अवसरों को हमें बहुत ऐसे अपने विश्वासी जीवन में इस्तेमाल करना है कि प्रत्येक का जीवन परमेश्वर की इच्छा में उसके वचन के अनुसार बढ़ता रहे। ये अनाउंसमेंट है WSS के मेंबर्स के लिए कि मेहरबानी से आज चर्च सर्विस के बाद में आप रुक जाएं WSS की मीटिंग के लिए। ये अनाउंसमेंट है बोर्ड ऑफ इलेक्टिविटी की ओर से। जैसा आप सभी को पता है पिछले दिनों से अनाउंसमेंट भी चल रही थी कि आज बोर्ड ऑफ इलेक्टिविटी की ओर से एक फेट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बटलर मेमोरियल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 30 से जारी। तो आज वर्शिप सर्विस के बाद में हम सबके पास में एक और अवसर रहेगा कि हम मसीह संगति उस सहभागिता में इस फेट के माध्यम से जुड़ने पाएँ, तो मेहरबानी से इन अवसरों का हम लाभ उठाएँ। साथ ही एक और फेट के विषय में अनाउंसमेंट चल रही है, और जैसा आप सभी को पता है 12 नवंबर PSI की ओर से फेट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्री चर्च में, और इससे संबंधित समय समय पर आप लोगों के साथ में इस अनाउंसमेंट को शेयर भी किया गया है कि रेफरल टिकट्स भी हमारे पास में है भाई अलोक हचिनसन के पास में, तो आप उन रेफरल टिकट्स के माध्यम से अपना एक योगदान BSI तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही एक और अवसर है सोविनियर में अपनी ओर से यदि आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं अपनी एड्स के द्वारा तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों माध्यम हैं आपके पास में कि आप BSI की ओर अपने कंट्रीब्यूशन अपने सहयोग को बढ़ाने पाएँ, और इससे संबंधित आपको जानकारी जो है वो भाई आलोक हचिनसन के द्वारा मिलने पाएगी। तो मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा आप सबको कि आप इन अवसरों का बहुत ऐसे लाभ उठाएं, क्योंकि आप सबको पता है BSI हर साल हमारे बीच में आते भी हैं और अपनी मिनिस्ट्री को भी शेयर करते हैं कि किस रीति से परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को बदलने में अपना योगदान करता है। तो मेहरबानी से इन अवसरों का लाभ उठाएं। ये अनाउंसमेंट है MYF के लिए कि MYF के लिए एक सेमिनार हो रहा है 21 अक्टूबर सैटरडे का ये दिन पड़ रहा है 9:00 से 3:00 अपोसल्स मेथोडिस्ट चर्च में। तो हमारे चर्च का जो MYF है उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि सेमिनार में पार्टिसिपेट करें और अपने आप को मसीह संगति में और अधिक बढ़ते हुए अनुभव करने पाएँ और दूसरों के जीवन के लिए भी आशीष का कारण बने। ये अनाउंसमेंट है लेटी संडे के लिए। नेक्स्ट संडे यानी आने वाला जो संडे है उस संडे हम लोग लेटी संडे की रीति से अपने आप को परमेश्वर के भवन में उसके आराधना में उपस्थित करेंगे। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे लेटी संडे, और मिस्टर रॉबर्ट मैसी जो कि बोर्ड ऑफ इलेक्टिविटी के ट्रेजरर हैं हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से
सेवकाई करेंगे। ये तो हैं हमारी कलीसिया के से संबंधित सूचनाएं, और इसके अलावा कोई और सूचना होगी तो कलीसिया के साथ समय पर अवश्य बांटी जाएगी। अब एक विशेष सूचना जिसके विषय में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, और वो है हमारा आने वाले दिनों में जो फैमिली कैंप, और जैसा बताया गया था कि आज का दिन जो है वो लास्ट डे होगा, आखिरी दिन होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और मेहरबानी से निवेदन है कि हम सब इन अवसरों का लाभ उठाएं। समय समय पर इसके विषय में सूचना दी जाती रही है, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद में हम लोग फिर से फैमिली कैंप के रूप में इस अवसर को पा रहे हैं। तो मेहरबानी से अपने आप को प्रोत्साहित करें कि एक फेलोशिप का अवसर है, सहभागिता का अवसर है, एक भिन्न वातावरण में एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर है। परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में एक नए वातावरण में अनुभव करने का अवसर है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप आज चर्च सर्विस के बाद में भाई प्रशांत गमलियल जो हैं आप उनसे मिल सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और इससे संबंधित जो जानकारियां थी वो समय पर आपको बांटी गई थी कि 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन है पर पर्सन, और 5 साल तक के बच्चों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसके साथ ही जब हम लोग जाएंगे तो 2 नवंबर से और 5 नवंबर का ये समय है फैमिली कैंप के लिए, और जैसा बताया गया कि उस समय पर थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो कम से कम एक पतली क्विल्ट यानी एक पतली जो रजाई है वो अपने बैगेज में रखें, और साथ ही एक गर्म कपड़ा ज़रूर अपने पास में रखें, ताकि यदि कुछ वातावरण में या एनवायरनमेंट कुछ लगता है, वेदर चेंज होता है कुछ, तो आपके लिए किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। तो मेहरबानी से आज के दिन का आप बहुत ऐसे लाभ उठाएं और अपने रजिस्ट्रेशन को करवाएं, ताकि हम लोग आगे के जो इंतजाम हैं ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, और आगे को जिस तरीके से हमें फूड के विषय में जो भी इंतज़ाम करने हैं, वहाँ पे किस तरीके से अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है, उनके विषय में सारी चीज़ों को समय पर किया जा सके, और वहाँ पर भी हम लोग टाइमली लिस्ट को प्रोवाइड कर सकें। तो इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप निसंकोच मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भाई प्रशांत को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आज के दिन का आप बहुतायत से लाभ उठाएं। इन अनाउंसमेंट्स के बाद में यह हमारे लिए सच में एक धन्यवादिता का अवसर है कि आज हमारे बीच में कोई ऐसा नाम नहीं है जो हमने नहीं सुना। एक बहुत ही प्रचलित नाम है मसीह जगत में, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये नाम इंडियन है ना, हम भारतीयों में डॉक्टर रिचर्ड हावेल हमारे बीच में आज परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर की सेवा में है। डॉक्टर रिचर्ड हावेल के विषय में मैं यदि व्यक्तिगत रूप से जो मैंने अनुभव किया है उस चीज़ को यदि मैं शेयर करूं, तो इस बात को मैं ज़रूर कहूंगा कि परमेश्वर में इतना हलीम इंसान मैंने नहीं देखा, जो नम्रता, क्योंकि मैं क्लोजली कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन भिन्न भिन्न अवसरों पर डॉक्टर रिचर्ड हावेल के विषय में जानकारी प्राप्त करता रहा भिन्न भिन्न माध्यमों से, और यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अपनी सेवा के भाव में अपने बेटे को चुना है कि बहुतायत से परमेश्वर के वचन का प्रचार और परमेश्वर की सेवा को लोगों के बीच में बांटा जाए। इनके विषय में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा मैं। रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हावेल प्रिंसिपल हैं कैलेब इंस्टीट्यूट, जो कि गुड़गांव क्षेत्र में पड़ता है, और साथ ही एक बड़ी सेवा रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हावेल ने पूरी करी है EFI के साथ में, इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ चर्चेस में। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की एक बड़ी जिम्मेवारी को उन्होंने एक लंबे अरसे तक निभाया है, और साथ ही ग्लोबल क्रिश्चियन फोरम के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ग्लोबल क्रिश्चियन फोरम जो कि अपनी एक विशेष पहचान रखती है विश्व में, उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हावेल।
और साथ ही परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपने बेटे को बहुतायत से उनके जीवन को अपनी सेवा अपनी महिमा के लिए भिन्न भिन्न रूप से इस्तेमाल किया है, स्पीकर के तौर पर, वक्ता के तौर पर उनके जीवन को परमेश्वर की सेवा में पाया गया है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में उनके जीवन के लिए जिस अच्छे साथी को दिया, मिसेस सुनीता हवेल से इनके विवाह हुआ और 3 बेटियां और 3 नाती, हाँ जी, 1 ग्रैंडसन और 2 ग्रैंडडॉटर हैं। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में इस रीति से अपने वचन को अपनी महिमा के लिए अपने बेटे के जीवन में आशीषित किया है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है और गॉड इज द गॉड ऑफ एजेस, यानी वो पीढ़ियों तक आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। और इसी रीति से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में अपनी आशीष को रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हवेल के जीवन में उंडेला है, बांटा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आइए हम तालियों के साथ में रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हवेल का स्वागत करें अपनी कलीसिया में, कि आज जिस रीति से उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटा जाएगा वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए आराधना में हम लोग आगे बढ़ें, और ये समय होगा जबकि हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में अपने आप को अनुभव करने पाएंगे और हमारी चर्च की क्वायर हमें लीड करेगी। आइए अपनी जगहों पर आराधना के लिए खड़े होंगे। वचन इस प्रकार से बताता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे संभाल प्रभु जी। Yeah.
मालिक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम।
वहीं से बैठिएगा। लोग आराधना में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि एक अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हमें अगुवाई दी गई है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें। धन्यवाद देते हैं क्वायर का इस अगुवाई के लिए। साथ ही धन्यवाद का एक और विषय भी है, मिस्टर एमपी सिंह आज हमारे बीच में है। काफ़ी लंबे समय से उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय, आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें तालियों के साथ। हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपनी विनतियों, अपने विश्वासी की विनतियों, प्रार्थनाओं को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देता। ये प्रार्थना का प्रभाव है, इसलिए वचन सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम आज के वचन की ओर आगे बढ़ें। आज का वचन जो लिया गया है, ये पाठ है पहला यूहन्ना 1 अध्याय, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और इसके 10 पद हैं और इन 10 पदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, ये गॉस्पल नहीं है, ये पत्री है, लेटर्स हैं, ये प्रकाशित वाक्य से पहले आपको ये मिलेंगे। यहां परमेश्वर के वचन में इस रीति से लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभा यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हो, आमीन। तो ये समय है जबकि हम आज के वचन को रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हावल के द्वारा अपने जीवन में पाएं। स्वागत है। पास्टर साहब का मैं शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया कि आपके बीच में, बहुत सालों के बाद आया हूँ, पहले आया था, मैं 2 दफ़ा बोल चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन ये खास मौका है तो मैं आभारी हूँ दिल से आप सबका कि आपके साथ इबादत करने का ये अवसर मुझे मिला। गला मेरा पूरा ठीक नहीं है लेकिन माइक मदद कर देगा। पादरी साहब बता रहे थे आपकी 3 दिन की कन्वेंशन हुई थी अभी, सिर हिलाते रहिएगा ताकि पता रहे मुझे।
और तीन दिन की कन्वेंशन में जो बातें वचन में से बताई गई, जो आपने जिन पे ध्यान दिया, वो मेल मिलाप की थी, आपस में मेल मिलाप रखना, रेकंसिलिएशन। ये बाइबल का अहम मुद्दा है, मेल मिलाप। मेल मिलाप होना जरूरी, जब मेल मिलाप नहीं होता वहां बर्बादी होती, जब बर्तन खड़कने लग जाते हैं घर में तो मुश्किल हो जाती, लेकिन जब मेल मिलाप रहता है वो जगह पनपती है, फलती फूलती है। आज का वचन भी उसी के साथ संबंधित है। मुझे नहीं पता था ये मेल मिलाप के बारे में आप सुन चुके हैं, अच्छी बात है, री एनफोर्स हो जाएगा। बाइबल खोल के रखिएगा, 10-25 तक मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन पढ़ते हैं इसे। ये बहुत प्यारी पत्री है, सिर्फ 5 अध्याय हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, इसे पांचों को अध्यायों को कम से कम 5 दफा पढ़ लीजिए। आधा घंटा लगेगा आपको केवल पढ़ने में, लेकिन एक दफा पढ़ने से बात नहीं बनती, 2 दफा पढ़ने से कुछ बातें समझ आने लगती हैं। और सच तो यह है, जो प्रेम पत्र होता है उसे तो बार बार पढ़ा जाता है। ये एक ऐसा प्रेम पत्र है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आपने इसे पढ़ लिया। इसी में इसके 4 अध्याय के 8 पद में आता है, खुदा मोहब्बत है। इसे याद रखना, खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत करता है। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत करी कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। मोहब्बत है। मोहब्बत के 2-3 बातें मैं बता देता हूं, जिंदगी के बारे में भी, और नौजवान यहां बैठे हैं, आपसे सवाल जवाब भी कर लूंगा कि समझ आ रही है कि नहीं। ठीक, जवाब दोगे ना। खुदा ने दुनिया मोहब्बत से बनाई। पेन पेंसिल है तो लिख लीजिए, जवानों ने तो मीटिंग खत्म होते ही भूल जाओगे सब कुछ। खुदा ने दुनिया मोहब्बत से बनाई, जितनी भी हम हैं तेरी सारी सृष्टि के मालिक। आप हिसाब लगाइए, सारी दुनिया बना के आदम को तोहफे में दे दी, है आदम रख देखभाल कर इसकी, तेरे लिए बनाई है मैंने। मोहब्बत से दुनिया बनाई और एक तोहफे के रूप में मानवता को दे दी। यहां काफी शादीशुदा लोग बैठे हैं, है आदमी भाइयों, आपने अपनी बीवी को कभी कोई तोहफा दिया? बोलो ना, कोई कभी बाली दी होगी, कभी बाली दी कोई है? शादी के दिन अंगूठी तो देते ही हैं, देते हैं ना। जब तक वो अंगूठी दुकान में थी उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब दुकान से या सोनार से बनवा ली गई, उस सोने का महत्व हो गया, क्योंकि वो अंगूठी आपने अपनी बीवी को दे दी। जब बीवी अंगूठी को देखती है तो किसकी याद आती है? पति की। उसी तरह जब हम सृष्टि को देखते उसकी याद आनी चाहिए। मोहब्बत से दुनिया बना कर दे दी मुफ्त। सूरज रोज निकलता है जी, रोज। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रकट करता है।
खुदा मोहब्बत करता है, खुदा मोहब्बत करता है। दुनिया बनाई, आपको मुझे बनाया, इतना ही नहीं, जब हम उससे दूर भाग गए, आदम ने खुद खुदा बनना चाहा ना, यह कहानी बाइबल की आपको आती है, तो खुद आ गया, कहे तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तू पाप में गिर गया, मुझसे दूर चला गया, तुझे बचाऊंगा, आके सलीब पे कुर्बान हो गया, मोहब्बत से दुनिया बनाई, मोहब्बत से अपनी जान दे दी। खुदा मोहब्बत का स्रोत है, सर चश्मा, मोहब्बत वहीं से निकलती है। मोहब्बत 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 करने के लिए कोई करने वाला भी होना चाहिए ना, आप मेरे साथ हैं? जब आप ये कहते हैं खुदा मोहब्बत है, तो किससे करता था मोहब्बत वो? नहीं, जब हम नहीं थे तो फरिश्ते, जब फरिश्ते नहीं थे तो कायनात, कायनात नहीं थी तब, त्रिएकता के बिना कोई नहीं कह सकता खुदा मोहब्बत है। बाप बेटा पाक रूह का संबंध इब्तदा से था, त्रिएकता। खुदा ने ऐसी मोहब्बत करी, अपना बेटा दे दिया, वो इब्तदा से था, इब्तदा से खुदा में रिश्ता है, संगति। तो जो हम संगति की बात करते हैं ना, मेल मिलाप की, वहां से शुरू होती। संगति मतलब ये नहीं बैठ के सिर्फ चाय पी ली, संगति बहुत गहरी चीज है। त्रिएकता को समझना मुश्किल नहीं, 10:10 होने वाले हैं, घड़ी मुझे परेशान करेगी लेकिन ठीक है। संगति त्रिएकता को समझना मुश्किल नहीं है, इब्रानियों की पुस्तक में आता है। वो तेजस्वी, वो परमेश्वर का तेजस्वी रूप है, ही इज द रेडियंस ऑफ गॉड, रेडियंस रूप तेजस्वी। इब्रानियों का लेखक सूरज की, सूरज का इस्तेमाल करता, सूरज SUN, सूरज कितने हैं? एक है कि तीन है? एक है ना। सूरज आपके घर में आके रोशनी देता है क्या? घर में आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा नीचे और आ जाए तो भी भस्म हो जाएंगे सारे। सूरज रोशनी देता है, सूरज में से निकलती है, सूरज से अलग भी है, उसमें से गर्मी भी निकलती है। वही बाप बेटे पाकरू का रिश्ता है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। SUN and SON, खुदा में रिश्ता है मोहब्बत का, और कुछ कर। अच्छा, उसकी मोहब्बत पाक है, उसकी मोहब्बत पाक है। खुदा का कोई मुकाबला नहीं दुनिया में, सूरज चांद सब उसी ने बनाए हैं। तभी करके मूर्ति पूजा, कायनात की पूजा हम नहीं करते, बनाने वाले की करते हैं, जिसने सब कुछ बनाया उसकी इबादत करते हैं, उसे शुक्र कहते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। यहाँ आप गीत गा रहे थे, मैं देख रहा था, कुछ एक लोग मगन हो गए थे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, उसमें मगन होना है। जिससे मोहब्बत होती उसमें मगन होते हैं कि नहीं, पति पत्नी? कुछ एक बच्चे भी मगन हो जाते हैं शादी से पहले किसी में। मोहब्बत एक जुनून है जी, बिना जुनून के मोहब्बत नहीं होती, और मोहब्बत 10-15 से नहीं होती, जिससे वायदा कर दिया ताउम्र का।
खुदा मोहब्बत है, हम उससे दूर चले गए, वो आ गया बचाने के लिए। और एक दिन नया आसमान और नई जमीन होगी, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में आता है। मैंने दो तीन बातें बोली है जी, दोहरा देता हूं। खुदा मोहब्बत है, मोहब्बत से उसने दुनिया बनाई, जब हम उससे दूर हो गए तो हमको बचाने आ गया क्योंकि मोहब्बत करता है, और मोहब्बत से वो एक दिन पूरी दुनिया को नया कर देगा। उसी के बारे में यूहन्ना यहां पर कह रहा है। पहले पद में देखिए, वो जीवन का वचन जो इब्तदा से था, जिंदगी का कलाम, खुदा में जिंदगी है, मौत से जिंदगी नहीं निकलती, जिंदगी जिंदगी से निकलती है, खुदा में जिंदगी है। गॉड इज द सोर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का सर चश्मा है वो। शुरू से इब्तदा में खुदा ने जमीन आसमान को बनाया, आदम हवा को बनाया, जिंदगी दी आदम, और लिखा अपनी जिंदगी का दम फूंका, आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए बीवी बना दी। हैं बीवियों, आप ना होती तो आदम बेकार था। हैं भाई लोग, बीवी के बिना कुछ नहीं। सब कुछ खुदा ने बना के कहा बहुत अच्छा है, आदम को देख के कहता ना 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 ना, कमी है तेरे में। आदम और खुदा थे, ये नहीं कि आदम की संगति खुदा के साथ नहीं थी, थी, लेकिन अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए भी संगति बना दी। बीवी के बिना आदम कुछ नहीं है, तू अनुग्रह था उसका जो उसने ये सब कुछ कर दिया। खुदा जिंदगी है, ठीक बच्चों? गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, मानते हो ना? पक्की बात। इसकी एप्लीकेशन, अगर प्रॉब्लम होंगी तो कहां जाएंगे? जिसने जिंदगी बनाई, बता खुदा क्या करे अब? जहां से जिंदगी आती है वहीं पहुंच जाइए। समस्या हो गई, बताओ क्या करूं? बता देगा। काउंसलर के पास जाना भी ठीक है, लेकिन खुदा को मत भूलिएगा। जिसने जिंदगी बनाई है उसके पास सलूशन भी है। सलूशन देने ही वो आया था। खुदा जीवन का स्रोत है। जब हमने क्या किया, आदम और हवा ने जीवन के स्रोत को छोड़ दिया, बुरे हाल कर दिए, अपनी जिंदगी के भी दुनिया के भी। कायन ने अपने भाई को ही मार दिया, नफरत हो गई, घृणा हो गई, बुरे हाल कर दिए मानवता ने। हाँ, हो रहा है गाजा में। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, गजब। कहीं बच्चों को पता क्यों मार रहे हैं? मासूम बच्चों को मार रहे हैं ताकि मानवता भूल जाए मानवता भी कोई चीज है। आपकी इंसानियत खत्म करने के लिए बच्चों को मारते हैं। लड़ाई करेंगे, शांति आने नहीं देंगे। शांति आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। मारो, शैतान करता ये। ताज्जुब की बात ये है, या ताज्जुब नहीं होना चाहिए, एक आतंकवादी दूसरे को गोली मार रहा, वो बच गया तो डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाता है। सारी बुराई नहीं है, इंसानियत अभी है, जिंदा है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने। शैतान बर्बाद करने आता है। जब आप खुदा की जिंदगी से अलग हो जाओगे, बर्बादी के रास्ते पे जाओगे, अजमा के देख लीजिए। देखते हैं हम रोज। तीन बातें कलाम कहता है, यूहन्ना भी कहेगा अपनी पत्री में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड हमें खुदा से दूर कर देता है। शरीर की अभिलाषाएं, काबू रखना इन पे। आप शादीशुदा हो या सिंगल हैं अभी तक, सारी अभिलाषाएं बुरी नहीं है,
भूख लगती खाना चाहिए, शादी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर बेकाबू हो गए तो बर्बादी है। परमेश्वर जीवन का स्रोत है, हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए। यीशु मसीह ने क्या किया? वापस ले आया, जोड़ दिया। उसी के लिए यूहन्ना कहता है, वो जो जिंदगी का कलाम जो आदि से था, आगे क्या लिखा है? बड़े मजे की बात है जी, आदि से तो था लेकिन वो देहधारी हुआ, हमने उसे देखा और उसे सुना, ध्यान से सुना, उसे स्पर्श किया। लिखा है ना, यूहन्ना ये कह रहा, उस समय लोग ये कहते थे परमेश्वर जिस्म ले ही नहीं सकता, आज भी कहते हैं खुदा जिस्म नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? जिसने दुनिया बनाई, मरियम की खोख में भी आ गया, मानवता को अपने साथ जोड़ लिया, मानवता और परमेश्वर जुड़ गए, मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है, लेकिन जोड़ लिया, मर के जी उठा तो भी बदन है यीशु के पास, जिसे हमने देखा। क्यों कह रहा ये सारी बातें? देखा, ध्यान से देखा, सुना, छुआ, दो दफा बोलता ध्यान। पहली बात, ये एक ऐतिहासिक घटना है, हवा की बात नहीं कर रहा, आंखें बंद करके बैठ जाना, मनन करना, सब ठीक हो जाएगा, ना 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 ना। कहे वो जिंदगी प्रकट हुई है, तो जो हम तभी करके, इसमें दो शब्द हैं भाइयों बहनों बच्चों जो बहुत महत्वपूर्ण है। उस यूहन्ना कहता उसकी हम गवाही देते हैं, गवाही उसकी दी जाती है जिसको आपने देखा हो, सुना हो, समझा हो। कहें वो जिंदगी का कलाम हमने देखा। यीशु शागिर्द था यीशु मसीह का, यूहन्ना बहुत प्रिय शागिर्द था, उसको देखा है, उसकी मैं गवाही देता हूं। आगे जाके कहता उसकी घोषणा करते हैं, सुसमाचार। दो शब्द हैं, गवाही और घोषणा, टेस्टिफाई एंड प्रोक्लेमेशन। उसकी गवाही देते हैं, गवाही देते हैं, और जिंदगी बदल दी मेरी, मुझे अपनी औलाद बना लिया। गवाही किस बात की दे रहे हैं? आगे देखिए, कहते हैं गवाही इसलिए दे रहे हैं कि हमारी संगति तुम्हारे साथ हो जाए। जिनको ये खत लिख रहा है, कहे ये संगति पिता और पुत्र में है, वही संगति हमारी भी बाप और बेटे के साथ है, पवित्र आत्मा के माध्यम से, वही संगति हमारी तुम्हारे साथ है। संगति की बात कर रहा है, मेल मिलाप की। खुदा में जिंदगी है, मेल मिलाप की, बाप बेटा पाक रू में संगति है। ये नहीं बाप ने कुछ और सोचा, बेटे ने कुछ और सोचा, ना, बाप ने उद्धार की योजना बनाई, बेटा पूरी करने आ गया, पवित्र आत्मा लागू कर देता है हम पर। खुदा ने मोहब्बत करी, बेटा दे दिया, बेटा आ गया, मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। हमारी संगति, मेरा मेल खुदा के साथ हो गया और एक दूसरे के साथ हो गया। मैं अपने सहयोगी से दुश्मनी करके कहूं कि मैं खुदा के साथ मेल हो गया, यूहन्ना कहता झूठ बोल रहे हो। तो कई लोग थे, जी मैं निष्पाप हूं, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया। कहे शाबाश। आगे जाके फिर कहता है दो तीन बातें और, दो मिनट में, तीन मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। कहीं इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। हे नौजवानों, यीशु मसीह आनंद छीनने नहीं आया था, आनंद देने आया था। सन 2000 में एक दफा एक लड़की मिली मुझे, तब शिक्षा थी उल्टी सीधी, किसी ने भगाई हुई, 2000 होंगे तो यीशु मसीह आ जाएगा। कहे अंकल मेरी बात सुनो। मैं बता।
कह मेरी शादी कर दो। मैं कहा कि इतनी जल्दी क्या पड़गी। कह 2000 में यीशु मसीह आ जाएगा, मैं कुंवारी नहीं मरना चाहती, कर दो मेरी शादी। मेरी प्रभु कहता है ये बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद आनंद यीशु में है, उसके साथ सहभागिता में है, उसके अलावा नहीं। फिर कहता जो वचन हमने सुना, परमेश्वर नूर है, खुदा ज्योति है, उसमें अंधकार नहीं। यदि हम ये कहें कि हमारी संगति उसके साथ है और फिर अंधकार में जीवन व्यतीत करें तो हम झूठे हैं, सत्य पे नहीं चलते। यदि हम अंगीकार कर लें तो हमारी को क्या करेगा, क्या करेगा राहुल, क्या लिखा है, शब्द क्या आता है, बैठ के बोल, माफ करेगा, माफ करेगा, ये लिखा ना। अगर अपने गुनाह कबूल कर लें तो क्या करेगा, माफ कर देगा। यही तो सुसमाचार है जी, और है क्या हमारे पास। बड़ी सीधी सादी बात है, मसीहत कोई फलसफा नहीं है जो समझ में ना आए। जब मैं अपने पापों को पश्चाताप करता हूं तो मेरे पापों को वो माफ कर देता, खुशी की खबर इतनी तो है। हमारे पास यीशु है जो मेरे लिए बलिदान हुआ। जब मैं पापों को अंगीकार करता हूं तो मेरे को बिल्कुल माफ कर देता है, मेरी स्लेट साफ। हमारी जिंदगी के 3 हिस्से हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। मैं राहुल कितने हैं, कौन से भूतकाल के बाद वर्तमान और फिर भविष्य। भूतकाल मेरा क्षमा हो गया, जो आपने बोल दिया उसे बदल तो आप सकते नहीं, जो उल्टे सीधे कर्म कर दिए वो भी नहीं हटा सकते, लेकिन माफी मांग लूं तो साफ। आप धन्यवाद के सिवाय और क्या कह सकते हो प्रभु को, है ना पति, जो बीवियों से माफी मांगनी मांग लो, स्लेट साफ हो जाएगी। आदमी कहता माफी कैसे मांगू, आदमी हूं। अरे आदमी है तभी तो माफी मांग, गलती करी है तूने। मां बाप भी कई दफा बच्चों पे बरस पड़ते हैं बिन मतलब के, पता नहीं चलता आज पिटाई क्यों हो गई, गुस्सा है कहीं, गुस्सा सारा बच्चों पे ही उतर रहा है, बिन मतलब के पिटाई कर दी तो बच्चों से माफी मांगो। कहीं कैसी बात बोल रहे हो, सब ठीक बोल रहा हूं। बच्चे आपको माफी मांगते देखेंगे तो कल को वो भी मांग लेंगे। मूल्य घर में नजर आते हैं, मसीहत घर से शुरू होती है। खुदा खानदान है, कलीसिया खानदानों का खानदान है। खुदा आपको बरकत दे, यही मेरी दुआ है। आखिरी अनाउंसमेंट, पादरी साहब से मैं बात कर रहा था, एक कोर्स है केलब का, सरल सर्टिफिकेट लेवल का, वो पूरा कर लोगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा घर बैठे, बड़ा सरल है। 20 लेसन हैं, 5 जनों को अगर हमने पढ़ा दिया तो आपकी ड्यूटी होगी 5 जन और इकट्ठे कर लो या 10 इकट्ठे कर लो, उनको पढ़ा दो। इम्तिहान आपका यही है, खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ा दो। खुद पढ़ो घर बैठे सरलता में, मिल लो, एक कोहोर्ट बना लो, कर लीजिए, लाभ होगा। कलाम का आना जरूरी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है वचन को समझना। भोजपुरी लोग ना, भोजपुरी, 1 करोड़ प्रभु के पास आ गए यूपी बिहार में, 1 करोड़ ऐसे ही, 10 ने सीखा 10 और को सिखा दिया, वो 10ों ने 10-10 और को सिखा दिया। 1 करोड़ बहुत होते हैं जी, गप्पे नहीं मार रहा हूं मैं, उस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूं। खुदा काम कर रहा है। एक कहानी सुना दूं पादरी साहब, टाइम मेरा हो गया।
और ये सब करके 10:30 तक भी खींच सकते हो। 17 बारी जगह एक 17 बारी सुल्तानपुर में, 17 बारी सुल्तानपुर में, वहां एक जिमीदार है तत्वेश्वरी सिंह, हेडमास्टर मालिक भी है जिमीदार है, उसकी बेटी का नाम है निर्मला, वो पड़ गई बीमार, इसने सारे इलाज करवा लिए, ठीक नहीं होती थी, बिल्कुल मंदिर बना दिए, दान पुण्य कर दिए, डॉक्टरों को दिखा दिया, बेटी ठीक हो जाए, नहीं हुई। गाय एक नौकर है, गाय भैंस देखने वाला, उसका नाम है छबड़ा, छबड़ा, उसकी कोई कदर नहीं ना होती, अरे गाय भैंस देखने वाला ये तो, लेकिन वो है मसीही। हिम्मत करके जब ये करकरा के बैठ गए ना चुप करके, हिम्मत करके जाके मालिक को बोलता तत्वेश्वरी सिंह को, हम प्रार्थना करने वालों का छोटा ग्रुप है, कहो तो आपकी बेटी के लिए आके प्रार्थना कर देंगे। ये पढ़ा लिखा जिम्मेदार नौकर को कह रहा है, कहते हैं ठीक है कर दो भाई, मरता क्या ना करता, कहे आ जाओ करो प्रार्थना। प्रार्थना करी निर्मला के लिए, उसमें दुष्ट आत्मा थी, वो बोल पड़ी, कहती निकल तो जाऊंगी लेकिन इस मंदिर में जाऊंगी। तत्वेश्वरी सिंह कहता खबरदार तू उस मंदिर में गई, बोले मेरे लिए तो बनाया तुमने, मंदिर तोड़ दिया उन्होंने हनुमान का, अयोध्या से साधु इकट्ठे हो गए, मंदिर फिर बन गया। तत्वेश्वरी सिंह और उसके 40 रिश्तेदार जाके बपतिस्मा ले लिए। हमने देखा है, उसकी गवाही देते यीशु माफ करता है। पंजाब में 1893 में बेदारी आई थी, है आज फिर आ रही है। डेरा में होके आया हूं जलंधर जी, 1 लाख लोग मिलते हैं प्रति संडे, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा इबादत कर रहे। जब पाकरू बहता है ना तो काम होने लग जाता। मेथडिस्ट चर्च के जॉन वेस्ली घोड़े पे जाके जगह जगह प्रचार करते थे, जब वो प्रचार करते थे ना तो प्रचार करते करते कई लोग नीचे ढेर हो जाते थे, उनके लिए दुआ करते थे। गजब खुदा की हवा जब चलती है ना तो गजब चलती। मेथडिस्ट चर्च की परंपरा रही है ये। कलाम सीख लीजिए और गवाही देनी शुरू कर दो, दुआ करनी शुरू कर दो। मैं लड़की हो दुआ करो, कई दफा हम दुआ करते ही घबराते हैं, दुआ कर दी कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो ठीक इंसान थोड़ी ना करेगा, करने वाला तो खुदा है, दुआ तो कर सकते हैं विश्वास के साथ। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिसे हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हवेल के द्वारा बांटा गया। परमेश्वर बहुतायत से अपने वचन को हमारे जीवन के लिए आशीषित करें और रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हवेल के जीवन को बहुतायत से अपनी सेवा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहे। आशीषित हुए हैं तो उन्हीं आशीषों को अपने जीवन में है, हमें इस रीति से प्रैक्टिस करना है कि और हमारे जीवन के द्वारा आशीषित होने पाएँ। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे जो कि जो प्रेज एंड वर्शिप की किताब है ये वाली, इसमें 251 प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। और इस गीत को गाते हुए हम अपनी धन्यवाद की भेंट को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। प्रेज एंड वर्शिप की ये जो किताब है इसमें 251
प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई। तुझको आ बचा मुझको भारतवर्ष बुलावे, तुझको आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। सागर में प्रभु का दर्शन पाके भाई, लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी, पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगा है देखो, जगा है देखो, हिंद के लिए उसके हृदय में। जगा है देखो, जगा है देखो, हिंद के लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन पाके भाई, लग जा सेवा में। बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के, साल गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन पाके भाई, लग जा सेवा में। चारों अंधेरा छाया रात बा पहुंची, चारों अंधेरा छाया रात बा पहुंची। जो कुछ है करना अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। जो कुछ है करना, जो कुछ है करना प्रभु तू कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन पाके भाई, लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर, प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है पाकी, फसल है पाकी,
फूल जमा कर उसके खाते में। फसल है पाकी, फसल है पाकी, फूल जमा कर उसके खाते में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, सब बातों में आपको आदर देते हैं, धन्यवादी हृदय के साथ पिता आपके सम्मुख अपने सिरों को झुकाते हैं कि आज की आराधना को एक आशीष की रीति से आपने हम सबके जीवन में दिया। पिता, जिन बातों को पाया सूझबूझ देना कि उन्हें व्यर्थ मिट्टी में ना काट दें, बल्कि बहुतायत से इन बातों को जो आपके वचन के आधार पर हमें सीखने को मिली अपने विश्वासी जीवन में इन्हें प्रैक्टिस में लेकर आए, ताकि और अधिक आशीषित हों और अधिक आपकी महिमा के योग्य अपने जीवन को अनुभव करें। पिता, अब जबकि आपके विश्वासी जन अपने घरों अपने स्थानों की ओर लौटते हैं, प्रार्थना है अपने अनुग्रह में आप प्रत्येक के जीवन की सुधि रखना, अगुवाई करना कि अपने घरों अपने स्थानों पर पहुंचकर एक बार फिर से आपके पवित्र नाम को धन्य कहने का अवसर पाएं। सब बातों में आपका अनुग्रह रहे कि जब हम दोबारा मिले तो और बढ़े हुए प्रेम और बढ़े हुए विश्वास के साथ आपके पवित्र नाम में संगति करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके और प्रभु यीशु के सभी विश्वासी जनों के साथ सदैव बने रहें, आमीन। आमीन। बैठिएगा।